नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। खोई में करोड़ों की लागत से बन रहा है अग्रवाल भवन। अग्रवाल समाज सेवा समिति थोई के तत्वाधान में हो रहा है भवन का निर्माण। अग्रवाल समाज के लोगों के आर्थिक सहयोग से बन रहा है भवन। एक मंजिल भवन की छत ढलाई का कार्य हुआ पूरा। दो मंजिला भवन का होगा निर्माण। एक मंजिल में होंगे 9 कमरे व 2 हॉल। सभी कमरों में लेट बाथ अटैच होगा व कमरे होंगे वातानुकूलित। भवन के पास ही बनेगा गार्डन। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से होगा पूरा भवन तैयार। नीमका थाना जिले के थोई गांव में अग्रवाल समाज थोई के द्वारा 2 मंजिला अग्रवाल भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। अग्रवाल समाज सेवा समिति थोई की कार्यकारिणी के संयोजक कैलाश चौधरी व ब्रजमोहन चौधरी, अध्यक्ष अशोक बंसल, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, मंत्री पुनीत बंसल, कोषाध्यक्ष एडवोकेट सुभाष गुप्ता और अमित गुप्ता ने भवन निर्माण के लिए कहा कि अग्रवाल समाज के काफी परिवार थोई से दूसरे राज्य कोलकाता, दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई, टाटा नगर, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में अपने परिवार सहित रहकर अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जब अग्रवाल समाज थोई में कोई कार्यक्रम होता है तब इन लोगों को गांव आना पड़ता है। गांव आने के बाद उनके ठहरने की बड़ी समस्या होती थी। गांव में ठहरने की उत्तम व्यवस्था न होने के कारण इनको नीमका थाना, अजीतगढ़ जैसे शहरों के गेस्ट हाउस में ठहरना पड़ता था, जिस कारण से गांव में आने पर संतुष्टि नहीं होती थी। इस कारण से समाज के लोग गांव में बहुत ही कम आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अग्रवाल समाज थोई के द्वारा अग्रवाल भवन का निर्माण करने का विचार किया और उस विचार का थोई गांव में रहने वाले अग्रवाल समाज के लोग और समाज के लोग जो राजस्थान से बाहर दूसरे राज्यों में रहकर अपना कारोबार कर रहे हैं, सभी ने मिलकर आगे बढ़ाया और आज पूरे अग्रवाल समाज के आर्थिक सहयोग से अग्रवाल भवन की पहली मंजिल पर छत ढलाई का कार्य पूरा हुआ। समिति ने बताया कि इसके निर्माण में लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगेगा और इसके निर्माण में समाज के सभी लोग जो थोई में हैं और जो राजस्थान के बाहर रह रहे हैं सब आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं समिति के सदस्य ने क्या कहा अग्रवाल भवन निर्माण को लेकर और इसके आने वाले रूप को लेकर। देखिए खबर में। सामान और मीटिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे यहाँ, और जो प्रवासी कोई प्रवासी थे वो तो जब भी आते हैं तो थोई के अलावा कई नीमका थाना और अजीतगढ़ रुकते हैं। तो सभी समस्याओं को देखते हुए समाज ने यह निर्णय किया कि थोई में एक अग्रसेन भवन बनाया जाए जिससे गांव वालों को भी सुविधा हो और बाहर से जो आगंतुक हैं उनको भी पूरी सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए सर्वप्रथम प्रयास 2014 में ये किया गया कि स्थान का चयन किया जाए। तो स्थान किस हवेली को, कई चौधरियों की हवेली थी तो उनका सबके सहयोग से ली गई। मेन रूप मुख्य रूप से जीवराज जी, रामसाह जी चौधरी की हवेली है, तो उनसे सहमति प्रदान करके और इस भवन को ठंडा कराया गया। फिर सबका सहयोग मांगा गया। पहले स्थानीय लोगों से थोड़ा सहयोग मिला जिसके आधार पर इसके नींव का काम करवाया गया। उसके बाद 10 साल के अंतराल में प्रयास किया गया लेकिन हम सफल नहीं हो सके। अब जो कार्यकारिणी है उसने सक्रिय भूमिका निभा करके और इस भवन के निर्माण हेतु पूरा प्रयास किया। इसके लिए सर्वप्रथम श्री सागरमल जी को इन्हें अपनी दुकान दी जिसके 21,000 रुपये भवन के लिए मिले, 21 लाख रुपए भवन के निर्माण हेतु मिल गए। इसलिए हमें प्रोत्साहन मिला और उसके बदौलत हमने कार्य चालू किया। उसके बाद में दिलीप जी गोयल जो यहाँ के प्रवासी हैं जिनकी गर्ल स्कूल भी बनाई हुई है हंसराज जी के परिवार के, उन्होंने 21 लाख रुपए की घोषणा की है। वो इसमें 21 लाख का सहयोग देंगे जिसमें हंसराज जी गोयल का पूरा परिवार है। ये गोकुलचंद जी चौधरी और पवन जी, नंदू जी जो ये मंत्री हैं जो सक्रिय कार्य कर रहे हैं, इनकी तरफ से एक कमरे का निर्माण 5 लाख रुपए का सहयोग दिया गया है। विजय जी बंसल जो यहाँ के प्रवासी दिल्ली रहते हैं उनकी तरफ से भी एक कमरे का योगदान है। रामोतार जी चौधरी,
जो यही है उन्होंने भी एक कमरे की घोषणा की है। शंकर लाल जी पंच जिनकी बाजार में दुकान है उन्होंने भी एक कमरे का सहयोग दिया है। प्रमोद जी गुप्ता जो दिल्ली वासी हैं अभी वही वासी हैं और दिल्ली में रहते हैं वो अभी परसों आए थे तो उन्होंने एक कमरा और वाटर कूलर की घोषणा की है। एक कमरे का योगदान श्रीमान रामजीलाल जी जयचंदका के परिजनों द्वारा दिया गया है और कुछ लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग दिया है। बाकी प्रयास जारी है और हमारा प्रयास यही है कि दो मंजिल का कार्य आराम से पूरा हो जाए। बात 76 जारी है और दूसरी मंजिल और बनाने का प्रोग्राम हमारा मामाओं का अच्छा सहयोग मिला है और कार्य बहुत प्रगति से और बहुत बढ़िया काम आगे से आगे बढ़ रहा है और आगे अच्छा आगे बढ़ता रहेगा। ये हमारे अग्रवाल भवन का यहाँ जो संगठन है काफी समय पहले से बना हुआ था, जब हम बहुत छोटे छोटे थे इसमें जाते थे देखते थे तो समझते थे, फिर बाद में कुछ जिम्मेदारियां मेरे पर भी आई, मैं इसमें वर्तमान में कोषाध्यक्ष पद पे हूँ। मेरे दिमाग में आया कि समाज की बहुत सारी चीजों की कमियां चल रही है, उन कमियों को दूर करने के लिए हमने इस भवन को एक बनाने के लिए जो जीव राज जी राम साय जी चौधरी हैं उनके वारिसों से बात करके इस एक पुरानी हवेली थी उसको उनसे सबकी सहमति लेकर के उसको गिरा करके ये भवन के लिए जगह निकाली और उन भवन के लिए उन्होंने अपना सहयोग किया। फिर उसके बगल में जो हैं शांति लाल जी चौधरी उन्होंने भी अपनी एक जगह और दी, इस प्रकार से भवन के पास ये जगह हुई। फिर बाद में यहाँ जो सागर जी जो गोयल हैं उन्होंने हमें 21 लाख रुपए दिए, उनके 21 लाख रुपए का जो सहयोग आया उससे हमारा मनोबल बढ़ा और उस मनोबल बढ़ने से हमें सहयोग काफी मिला और काफी सहयोग मनोबल बढ़ा। फिर और भी लोगों ने हमें काफी सहयोग किया जिसमें एक कमरे का विजेंद्र जी बंसल ने सहयोग किया, एक कमरे का शंकरलाल जी पंच के वारिसों ने सहयोग किया, एक कमरे का सहयोग श्री गोकुलचंद जी के वारिसों ने सहयोग किया, एक कमरे का सहयोग श्री प्रमोद जी गुप्ता ने जो सेठ हैं जो रामकिशोर जी रेशमी देवी के नाम से बनवा रहे हैं, और एक कमरे का सहयोग श्री रामुतार जी चौधरी ने किया। इस प्रकार से काफी लोगों ने भर चढ़ कर लिया। फिर दिलीप जी गोयल जो यहाँ हमारे गांव में कन्याशाला उनके पिताजी हंसराज जी ने बना रखे थे, उन्होंने 21 लाख रुपए का सहयोग दे करके एक भवन का और घोषणा की जिससे हमारा और काफी हुआ और इस भवन को हम दो मंजिल का भवन बनाने में है और साइड में गार्डन वगैरह बनाने में काफी सहयोग जरूरत है। इस भवन में करीब अनुमानित 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो जो बाहर के कोई प्रवासी हैं और यहाँ के लोकल जो महाजन कोई के हैं उन सबसे निवेदन करूंगा इस आपके माध्यम से कि वो इसमें सहयोग करें और बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें। वैसे तो बिना कहे सभी सहयोग कर रहे हैं, इसमें सब बिना कहे अनुदान दे रहे हैं, सब उनके सबके सहयोग से ही सब कुछ हो रहा है इसमें। भवन निर्माण होने के बाद में अग्रवाल समाज की एक कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से इसकी देखरेख की जाएगी, पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी, पूरा हॉल पूरा परिसर एसी रहेगा, सीसी कैमरे रहेंगे, पूरी व्यवस्थाएं की जाएगी, कमेटी का इसका पूरा एक एक चीज की निगरानी में रहेगा। ये हाँ सर, अग्रवाल समाज का इस भवन को लेकर के काफी उत्साह है, सब लोग बिना कहे इसका आकर के देखते हैं, सब अच्छा बुरा जो भी होता है उसकी राय करते हैं बताते हैं, उन्हीं की सबके सहयोग से ये भवन बन रहा है, उन्हीं सबकी राय से ही बन रहा है ये भवन। ये थोई के अंबे ट्रेडर्स जो है उसी से मंगाया है और वो अच्छा माल दे रहे हैं, बजरी सीमेंट रोड़ी वो सारी उन्हीं से आ रही है, नहीं अच्छा माल दे रहे हैं वो।
जो कहते हैं, तोल में कम नहीं देते हैं, भाव में सही देते हैं, सामाजिक होता है तो सामाजिक हिसाब से भाव लगाते हैं। पेमेंट गुप्ता एजेंसी से आ रही है, जो हमारे समाज के सदस्य हैं, इसलिए क्या है कि न्यूनतम से न्यूनतम बिना मतलब अपना लाभ लिए सीमेंट दे रहे हैं वो।